हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज हम आपके सामने लेके आए बिल्कुल नई वीडियो, और जिसका टॉपिक है इंडिया G20 दिल्ली रोड्स ब्यूटिफिकेशन। और G20 के पहले हमने एक वीडियो रिएक्ट की थी, तो अब ये है स्पेशली रोड्स की ब्यूटिफिकेशन पे। तो देखते हैं कि दिल्ली के रोड्स कैसे हैं और इसमें G20 का क्या रोल है। तो वीडियो को स्टार्ट करें मानी, जी जी देखते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए लेट्स टेक अ ले स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। सामने अगर आप देखें तो फव्वारे आपको नजर आएंगे, चाहे आप राइट में देखें चाहे आप लेफ्ट में देखें। और ये दिन का वक्त है और ये फव्वारे जो है यहाँ पर चलते रहते हैं, और अभी रिसेंटली में इन्हें बनाया गया है। ऐसा ही जो आपको नजर है राइट में फिर से नजर आएगा। और ये जो सारा जो ब्यूटिफिकेशन है वो दिल्ली को दिन प्रतिदिन और ज्यादा खूबसूरत बनाता जा रहा है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कितना ज़्यादा दिल्ली के अंदर ये डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से, क्योंकि G20 भी अभी अगले महीने ही दिल्ली के अंदर होने वाला है और उसकी भी प्रिपरेशंस यहाँ पर की गई हैं। अगर आप देखें, ये जो रोड है ये अभी जो आपको दिख रही है काफ़ी ज़्यादा नैरो थी पहले, इसको वाइड किया गया है और लेफ्ट में पूरी ग्रीनरी जो है वो इंस्टॉल की गई है। राइट में अगर आप देखें जो ट्रैक चल रहा है वो एयरपोर्ट मेट्रो का ट्रैक चल रहा है। ये जो रास्ता है एक तरीके से आप कह सकते हैं एयरपोर्ट से आता है और इंडिया गेट, जैसे आपने देखा इंडिया गेट की तरफ जाता है, राष्ट्रपति भवन भी इसी तरफ है और कनॉट प्लेस, सारा का सारा चाणक्यपुरी का भी जो एरिया है वो भी इसी तरफ है। और ये जो रोड है अगर आप देखें तो काफ़ी स्मूथ हो चुका है यहाँ पर ट्रैफिक। ये जो जगह है ये धोलाकू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है और यहाँ पर एयरपोर्ट मेट्रो का मेट्रो स्टेशन भी है। सामने अगर आप देखें तो ये एयरपोर्ट मेट्रो है, फास्ट एक तरीके से आप कह सकते हैं मेट्रो है, डिफरेंट है दिल्ली मेट्रो की जो और मेट्रोज है उनसे। और ये डायरेक्टली कनेक्ट करती है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को दिल्ली एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों के साथ। अभी हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, ये जो आगे का रास्ता है ये सीधा रास्ता चला जाता है चाणक्यपुरी की तरफ, शांति पथ जो है हम वहाँ जाएंगे। यहाँ से लेफ्ट में अगर रास्ता जो जाता हुआ आपको दिखा वो रजौरी गार्डन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर भी आप देखें तो आपको फव्वारे मिल जाएंगे, नीचे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन हुआ है। और ऐसा जो है पूरा का पूरा जो ये रास्ता है, आगे तो आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो जगह हैं जैसे जो होटल्स हैं, ताज होटल और मौर्या शेरटन होटल जो है वो दोनों यहीं पर हैं। और यहीं से आपको दिखेंगे ये जो फ्लैग्स हैं आपको नज़र आने लगे होंगे, क्योंकि यहाँ से हम चाणक्यपुरी के अंदर एंट्री कर लेते हैं धोला कुआं की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट में आपको एक स्टैचू नज़र आएगा, यहाँ से जो रीडेवलपमेंट किया गया है यहाँ पर भी इस स्ट्रेच का, यहाँ पर वॉकिंग का स्पेस बनाया गया है और ग्रीनरी को भी रखा गया है। राइट में यहाँ पर अगर ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है ताज प्लेस होटल, सबसे फेमस होटल है दिल्ली का, वन ऑफ द बेस्ट होटल चाणक्यपुरी में आता है। और इसी के साथ में ITC मौर्य भी है, ITC मौर्य शेरटन, तो दो बहुत ही प्रोमिनेंट होटल्स जो हैं वो यहीं पर हैं। सामने है ITC मौर्य शेरटन। अगर आप दिल्ली में आते हैं और इस जगह पर घूमते हैं तो यकीनन आपको दिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है। इस तरीके से इस जगह पर दिल्ली को बनाया गया है और अब तो यहाँ पे फ्लावर्स भी लगाए जा रहे हैं। आप देखें तो काफ़ी सारे फ्लावर्स लगा दिए गए हैं। G20 जो है उसके लिए खास रोड हो जाती है, तो इसलिए इसका जो रीडेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। लेफ्ट में जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं उनके साथ ये ब्लू कलर के बोर्ड्स दिख रहे हैं, इस पर मेंशन्ड है कि G20 की जो समिट है वो दिल्ली के अंदर होने वाली है 9 से 10 तारीख के बीच में, प्रगति मैदान में ये जो समिट है वो होने वाली है। प्रगति मैदान में जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड IECC जो है उसमें होने वाली है और सितंबर 9 से 10 के बीच में होगी। दिल्ली के अंदर ये जो फव्वारे हैं आपको काफ़ी सारे दिखेंगे, कुछ ऐसी स्टाइल में दिखेंगे और काफ़ी सारे जो
नॉर्मल जो फवारे होते हैं वैसे दिखेंगे। और ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ लेफ्ट में अभी देखें तो यहाँ भी जो पार्क है उसके अंदर भी ये फवारे बनाए गए हैं। और दिल्ली में आजकल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली जो है एक फवारों का जो शहर है वो बन चुका है। सीपी की भी जो हमने वीडियो बनाई थी वहाँ पे भी आप देखते हो जो सर्कल्स थे उस पर काफ़ी सारे जो फाउंटेंस थे वो बनाए गए हैं। तो एक तरीके से आप कहें ग्रीनरी भी है, हरियाली भी और पानी भी, दोनों जो है आपको दिल्ली के अंदर अब काफ़ी मात्रा में दिखने वाला है। इस तरफ आपको गवर्नमेंट के काफ़ी सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे, काफ़ी सारे भवन भी मिल जाएंगे। सामने अगर आप देखें तो ये उत्तर प्रदेश भवन है चाणक्यपुरी में, और इसी के साथ में यहाँ पर मणिपुर भवन भी है, छत्तीसगढ़ भवन भी है, काफ़ी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर जो आपको दिख जाएंगी। और ये पूरा एरिया जो है ये चाणक्यपुरी का ही एरिया है। काफ़ी सारे लोग जो हैं जो दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली अभी तक आए नहीं है, उनको ये गलत फहमी है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज़ हैं और ग्रीनरी नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की जो न्यूज़ है वो काफ़ी आती है। लेकिन अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर ग्रीनरी बहुत बहुत ज़्यादा तादाद पर है। और अभी तक हमने लगभग 5 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, और आगे का भी जो डिस्टेंस है 4 से 5 किलोमीटर और कवर करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि जैसा ये एरिया है ऐसे ही आपको आगे भी मिलेगा। और सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे सर्कल जो है राउंड अबाउट आने वाला है, यहाँ से हम शांति जो पथ है उस पर चले जाएंगे। और ये जो सारा एरिया है ये सारा लुटियन दिल्ली का भी एरिया कहा जाता है इसे। और अगर सामने आप देखें तो G20 का जो प्रमोशन है वो यहाँ पर आपको हर तरफ दिखेगा, और ये जो फ्लैग्स हैं आपको यहाँ पर नज़र आने ही आने। और यहाँ से हम आ जाते हैं शांति पथ पर, ये जो रोड है इसे शांति पथ कहा जाता है। दिल्ली में दो जो रोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रोड्स हैं, एक तो कर्तव्य पथ है जिसे पहले राजपथ कहा जाता था अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, और एक ये शांति पथ जो कि बिल्कुल चाणक्यपुरी के हार्ट में है। और यहाँ आजू बाजू आपको बहुत सारे जो एम्बेसीज हैं उनके ऑफिसेज मिल जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो फ्लैग्स जो है हर तरफ आपको मिल जाएंगे, और बीच में फ्लावर्स भी बनाए गए हैं यहाँ पर। ये जो स्ट्रेच है शांति पथ का इस पर आपको कोई भी रेड लाइट नहीं मिलेगी, सारे के सारे जो ये सर्कल्स हैं उसी में इसको बनाया गया है। और इस तर्ज पे बनाया गया है कि ट्रैफिक जो है यहाँ पर बोटल नेक ना हो, जाम ना हो, और अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक चलता है। ये जो पूरा एरिया है इसे लगभग 1950s के आसपास बनाया गया था, डिप्लोमेटिक इंक्लेव कहा जाता है इस जगह को, और जितने भी एम्बेसीज डिप्लोमेट्स हैं वो यहीं पर रहते हैं। और ये जो रोड है अगर आप देखें दोनों तरफ ग्रीन एरिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रखा गया है, और लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर आप देखें, लेकिन यहाँ पर वैसे आप एज ए टूरिस्ट बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो जो है अपलोड हो आपको इमिडिएटली उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी किया कीजिए, ताकि जो वीडियो की रीच है वो ज़्यादा हो सके। यहाँ इस सर्कल पर सामने जो अगर आपको ओपन एरिया दिख रहा है वो रोज़ गार्डन है। यहाँ पर रोज़ गार्डन, दो रोज़ गार्डन है, लेफ्ट साइड भी है राइट साइड भी है। एंड आप देख सकते हैं कि हमने लगभग 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अभी तक कवर कर लिया है, और सारा का सारा जो एरिया है बहुत ही क्लीन है, ओपन है, ग्रीन है।
ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, ये आप कह सकते हैं कि नेहरू जो पार्क है, काफी पॉपुलर पार्क है दिल्ली का, उसका गोल चक्कर है। यहीं पर चाणक्यपुरी का जो चाणक्य मॉल है और चाणक्य सिनेमा है वो राइट में ही है। मोहन सिंह प्लेस जो मार्केट है वो भी यहीं पर है। और लेफ्ट में अगर आप देखें तो ब्यूटिफिकेशन का, आप कह सकते हैं फुटपाथ का पूरा काम हो रहा है लेफ्ट में अगर आप देखें, और काफ़ी सारे स्ट्रेचेज हैं जहाँ पर काम हो रहा है। अंडर G20 के 22 जो स्ट्रेचेज हैं उस पर रिवैम्प हो रहा है, रीडेवलपमेंट हो रहा है। उनमें से काफ़ी सारी रोड्स जो है कुछ हमने कवर की हैं और कुछ अभी हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपने जरूर ये देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जो ग्रीनरी है किस तरीके से भरपूर है, कितनी ओपन है, कितनी क्लीन है। ये जो सारा एरिया है, हमने पूरा का पूरा 15 किलोमीटर का अभी तक का एरिया हमने कवर कर लिया है, और आप किसी भी तरफ देखें तो आपको हर तरफ एक जैसा ही नज़ारा दिखेगा। और यहाँ से जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आएगी वो है अशोका होटल। रोड की दूसरी तरफ जो है अशोका होटल है, साथ में सम्राट होटल भी है यहीं पर। और ये ब्यूटिफिकेशन में अगर आप सामने देखें तो ये स्टैचू भी बनाया गया है यहाँ पर। और ये जो चीज़ें हैं आपको काफ़ी सारी यहाँ पर दिखेंगी। इस वीडियो में हमने जितना कवर कर सकते हैं किया है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो G20 के लिए और ब्यूटिफिकेशन हो रही हैं उन्हें कवर करें और आपको दिखाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। अच्छी वीडियो थी वाकई में, मज़ा आया देखने का। और मुझे वाकई में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही लगी है जो ये ग्रीनरी थी, ग्रीनरी मतलब हर तरफ। क्योंकि जो बड़े सिटीज़ होते हैं ना वहाँ पे वे जो पोल्यूशन होता है इसका बहुत ज़्यादा मसला होता है, ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। नो डाउट कि जो रोड्स हैं ये रनिंग रोड्स हैं, यहाँ पे हर वक्त गाड़ियाँ वगैरह चलती रहती हैं, तो इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो है पोल्यूशन भी पैदा होता है। तो फिर अगर ये दरख्त लगे हों तो उसके साथ जो है काफ़ी ज़्यादा जो हमारी आबो हवा है ये बिल्कुल क्लीन हो जाती है इनकी वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी भी है और साथ साथ ये ब्यूटीफुल भी लगती हैं। ब्यूटिफिकेशंस लाइक जैसे इन्होंने कहा हुआ रोड्स की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी हैं, तो बहुत अच्छा ही व्यू भी दे रहे थे, लेकिन इंसानी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बाकी G20 के ऊपर जो इन्होंने काम किया है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे ना जब स्टार्ट हुए ना वीडियो, तो वहाँ पर जो पूल्स थे, जो रोड्स थे, वो सेम टू सेम लाहौर जैसा लग रहा था ना। मुझे सारा का सारा ऐसा लग रहा जैसे लाहौर होता है। उसमें कुछ डेवलपमेंट जो है वो न्यू वाली है, तो नए सिस्टम वाली है, तो हाँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, लेकिन तकरीबन सारा ऐसा ही था। हाँ, लाहौर जैसे हमारे लाहौर का अक्स नज़र आ रहा था दिल्ली में। तो और जो आगे जो रोड्स आए हैं जैसे बाद में ग्रीनरी की तरफ, तो वो जैसे हमारे एयरपोर्ट की तरफ जाए तो वहाँ पर भी ऐसे VIP रोड्स वगैरह साफ साफ ऐसे वो लगते हैं। तो मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी अच्छी लगी, क्योंकि G20 जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बहुत अच्छा है, उन्होंने एक सिस्टम चलाया है जिसकी वजह से जो विजिटर्स आते हैं, जो बाहर के लोग जाते हैं वहाँ पर, उनको बहुत अच्छा एक व्यू मिलता है। और वहाँ के जो लोग हैं खासतौर पर रहने वाले हैं इंडिया के शहरों में जहाँ पर G20 का काम चल रहा है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही है इसकी वजह से। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा, आप लोगों का एक बहुत अच्छा स्टेप है लोगों के लिए, तरक्की के लिए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप बताओ साइकी ऐसे बोल दो हाँ मेरी आवाज़ आई नहीं, हाँ बोलो। मेरा तो यही कहना है कि मैंने पूरी की पूरी जो वीडियो देखी है ना, इसके अंदर जो न्यू लगा वो ये न्यू जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो थे, और जो ये फवारे थे वो थे, और बाकी फ्लैग्स वगैरह भी थे वो अच्छे लगते हैं, लगे हों मुख्तलिफ कलर्स के। और बाकी जो बीच में ये ना रोड्स बनाई है ना, और हमारी तो ब्लैक नज़र आती हैं, ये वाइट वाइट नज़र आ रही थी, ये पता नहीं अब कौन से मटेरियल से बनाई है, ठीक है। और बाकी मतलब जब वीडियो चल रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और दूसरी बात करें तो सारा का सारा मुझे लाहौर जैसा लग रहा था, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं। हम तकरीबन एक बड़े टाउन में भी जाएँ ना, तो जब हमारी एक नहर लगती है, ठीक है, कैनाल रोड, हाँ,
तो सारा का सारा कैनाल रोड के ऊपर राइट लेफ्ट और बीच में हर तरफ हमें ये ऐसे पौधे दिखाई देते हैं जैसे ये इन रोड्स पे लगे हुए ना जाते हुए वो। और वो मेट्रो बाकी स्टेशन भी वही सेम जी हमारा मेट्रो मेट्रो भी स्टेशन वैसे ही ही हर है। चीज़ अच्छी लग रही थी, हाँ लेकिन इसमें मैंने देखा सफाई बहुत ज़्यादा बहुत थी। ज़्यादा हमारी भी कैनाल पे सफाई बहुत है, लेकिन जहाँ पे छोटे टाउन आते हैं वहाँ पे ऐसे कचरा दिखाई देता है जो लोग कॉपरेट नहीं करते हैं तो गंद फैला देते हैं। तो उसके लिए भी हमारी LWMC कंपनी है वो बहुत अच्छी काफी सफाई एक्टिव है। रखती है, एक्टिव है। तो लेकिन वो नहीं हो तो भाई ये बड़ा गंद डाल दें। लो कोऑपरेटिव हाँ नहीं जी। है। और बाकी हमारे भी इधर अभी अभी काम चल रहा है, जितने भी इशारे थे ना सिग्नल्स हाँ ये चीज़ मैंने बात करनी थी उनको जैसे ख़त्म ना। करके, तो वो भी ऐसे अब यू टर्न नहीं बना रहे हैं लंबे वाले, जो हाँ अगर कोई राउंड अबाउट थे उनको भी ख़त्म करके आगे से यू टर्न लेकर हम वापस आएंगे, तो उससे हमारी जो ट्रैफिक है वो ज़रा भी नहीं रुकेगी, चलती रहेगी। और मैंने नोट भी किया, मैं पहले कहीं जाता था तो सिग्नल्स इतने थे कि वो रुके ही रहते थे बंदे, लेकिन अब इतनी अच्छी ट्रैफिक होगी कि जहाँ भी जाएँ बिना स्मूथ रुके आप स्मूथ चलते रहेंगे। और अगर कोई ट्रैफिक ने दूसरी तरफ मुड़ना है तो थोड़ा सा आगे राउंड अबाउट लेके फिर वो चला जाएगा, बहुत अच्छा है। तो इस तरह से इंडिया ने पहले तरक्की की है, बहुत अच्छे ग्रो कर रही है, और पाकिस्तान भी पीछे पीछे चल रहा है लेकिन ये पीछे ही है अभी। तो इंडिया के हाँ लिए सीधी बहुत ज़्यादा बात अच्छा है। लगा। तो बाकी आप लोग कॉपरेट किया करें, इंडियन पब्लिक्स आप कॉपरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो नहीं करेंगे तो हुकूमत भी अकेली क्या कर सकती, लेकिन वो बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। तो मुझे ये वीडियो बहुत हाँ ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ मुझे भी। तो आप लोगों को इस वीडियो में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में लाती हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और और पता है आप। जी, क्रेडिट देना रह गया है क्योंकि हाँ इन्होंने बहुत अच्छी जी बिल्कुल। ये नेवे जर्नी चैनल का नाम है जिन्होंने ये वीडियो क्रिएट की है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी वीडियो थी। बहुत ज़्यादा मेहनत इन्फॉर्मेटिव थी भी। इन्फॉर्मेटिव थी। मेहनत मेहनत की गई है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ हमें बताई दिखाई। और इसका हम लिंक जो है रियल वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप लोग चाहें तो आप देख ज़रूर विज़िट सकते हैं और करिएगा। लाइक भी करिएगा। और हमने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया ये वाला, तो आप लोग भी कर लेना। तो बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बाय। बाय।